असल क्रेडिट जो हमें नहीं भूलना चाहिए इस मैच का, जिसमें 3 इनिंग्स में 200 ही नहीं हो सका, उस मैच में 122 की इनिंग खेली है केएल राहुल ने। आज इंडिया ने वो जो है डोमिनेशन उसको आज तोड़ा है और 113 रन से पहला टेस्ट मैच जीत गया है इंडिया। इंडिया के दो ऐसे प्लेयर वहां गाबा में विराट कोहली नहीं, सेंचुरियन में रोहित शर्मा नहीं, और फैंस को कमी महसूस नहीं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया जो है एक ओवरसीज कॉन्कर करने का, टेस्ट मैच क्रिकेट को कॉन्कर करने का सिलसिला चल रहा है। सो दिस शोज के इस टीम और इस यूनिट की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कितनी हॉरिफिक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंडिया जो है एक ओवरसीज कॉन्कर करने का, टेस्ट मैच क्रिकेट को कॉन्कर करने का सिलसिला चल रहा है, फ्रॉम गैबा टू सेंचुरियन, और बीच में लॉर्ड्स भी आया, बीच में इंग्लैंड के मैदान भी आए, बीच में सिडनी भी आया, और अब पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में था। और सेंचुरियन डेफिनेटली इज अ प्लेस जहाँ पे साउथ अफ्रीका की विन रेशियो बहुत हाई है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दो दफा शायद हारी है वो सेंचुरियन में, एंड दिस इज वन ऑफ दोस ओकेजंस। And India doing all the damage overseas is obviously an outstanding job. और इसमें special mention होगा captain का, who brings in this attitude and this target of winning overseas. And the way he has worked with his pace trio of Shami, Bumrah, Siraj and others, जितने भी बीच में खेलते रहे हैं, they've all put in a great effort to achieve जो उन्होंने अब achieve कर लिया है. And I think in this स्पेशल mentions जितने भी हम कर रहे हैं बॉलिंग के हवाले से, पिच के हवाले से, साउथ अफ्रीका की अनसर्टेन conditions, तो मेरा ख्याल है कि असल क्रेडिट जो हमें नहीं भूलना चाहिए इस मैच का, जिसमें 3 इनिंग्स में 200 ही नहीं हो सका, उस मैच में 122 की इनिंग खेली है केएल राहुल ने। सो फॉर 3 times द टीम्स, 2 times इंडियन बैटिंग लाइन एंड वंस साउथ अफ्रीका, ट्वाइस साउथ अफ्रीका एंड वंस इंडिया, जो 200 नहीं कर सके और एक बंदे ने 122-26 की इनिंग खेली है, इट हैज टू बी एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट। तो अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर केएल राहुल, हु इज मिस्टर वर्सेटाइल करंटली फॉर द इंडियन बैटिंग, और मेरा ख्याल है कि ही हैज पुट इन एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट। अग्रवाल की भी बैटिंग जो थी, ओपनिंग स्टैंड बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर ओपनिंग इंडिया को वो हेड स्टार्ट ना देती, वो टॉप नॉच पार्टनरशिप ना लगती ऑन द फर्स्ट डे, तो शायद इतना आसान ना होता जितना कन्विंसिंगली इंडिया ने जीता। एंड देन अगेन क्रेडिट टू द बॉलर्स, क्रेडिट टू द कैप्टन, जिस तरह उसने फील्ड सेटिंग्स की। पहले 2021 की जो तुमने बात की टेस्ट रन की, मेरे ख्याल से देखो तुमने बहुत सही तरीके से फ्रेम किया है इसको। गाबा से भी पहले 2018 यही साउथ अफ्रीका का मैदान था जहाँ से इंडिया की वो एक जो प्रोग्रेशन है ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो वहां से शुरू हुई थी। लेकिन क्योंकि ये बात हम 2021 की कर रहे हैं, मैं सबसे पहले जो पार्ट या लेआउट करना चाहता हूँ अपनी अपने अपनी एक हम्बल ओपिनियन के अंदर, जहाँ से ये गाबा से सफ़र शुरू हुआ था, उस सफ़र के अंदर ना विराट कोहली थे, किसी को कमी महसूस नहीं हुई थी, और 2021 का जहाँ आज इख्तिताम होता है सेंचुरियन, जहाँ इंडिया ने हर बड़े मैदान के अंदर अपना झंडा गाड़ दिया है एक ज़बरदस्त जीत के साथ, वहाँ रोहित शर्मा नहीं थे। इंडिया के दो ऐसे प्लेयर वहाँ गाबा में, विराट कोहली नहीं, सेंचुरियन में रोहित शर्मा नहीं, और फैंस को कमी महसूस नहीं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दिस शोज के इस टीम और इस यूनिट की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कितनी हॉरिफिक है ओपोनेंट्स के लिए। अब बात करते हैं गाबा की। देखो सवेरा, ये माइंडसेट तब तब्दील हुआ जब विराट कोहली ने 5 bowlers के साथ जाने का फैसला किया। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, एक इन्फैचुएशन है टेस्ट मैच क्रिकेट के साथ कि पहली इनिंग्स के अंदर आपके स्कोर बोर्ड पे 500 लगा हुआ हो, 600 लगा हुआ हो, 450 लगा हुआ हो, हर बैट्समैन आके सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रहा हो, 150 मार रहा हो, 200 मार रहा हो। इंडिया ने वो अपनी अप्रोच चेंज की। हाउ अमेजिंग इट इज़ कि 2021 का अगर मैं गाबा से लेकर सेंचुरियन तक का सफ़र देखता हूँ, और बीच में एक ऐसा मकाम आता है ओवल, सॉरी लंडन, अब ब्रिस्बेन, ओवल, लॉर्ड्स, सेंचुरियन, इन चारों मैदानों में एक सब कॉन्टिनेंट टीम, एक एशियन टीम का अपने घर से बाहर जीतना टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर कभी भी
आसान बात नहीं होती। इसी वजह से सेंचुरियन पे जीतने वाले विराट कोहली एशियन फर्स्ट कैप्टन बन चुके हैं। ये जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट आज खत्म हुआ सेंचुरियन पे, इससे पहले सेंचुरियन पे साउथ अफ्रीका ने 26 में से 21 टेस्ट मैच जीते थे और सिर्फ दो टेस्ट मैच हारे थे, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और दिस इज़ वन ग्राउंड टेस्ट वेन्यू जिसका सबसे हाईएस्ट मतलब विन परसेंटेज है 80% होम साइड का, यानी कि ये डोमिनेशन थी साउथ अफ्रीका की सेंचुरियन पे। और आज इंडिया ने वो जो है डोमिनेशन उसको आज तोड़ा है और 113 रन से पहला टेस्ट मैच जीत गया इंडिया। नॉट सरप्राइजिंग कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीता है, क्योंकि इंडियन ये जो इंडियन टीम लैंड हुई है साउथ अफ्रीका में, दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस इंडियन टीम इन साउथ अफ्रीका। आई से दिस सिंपली बिकॉज क्योंकि ये इंडियन टीम के पास वो पेस अटैक है, वो बॉलिंग अटैक है जो शायद किसी इंडियन टीम के पास इससे पहले नहीं था। और कमाल ये है कि आप अगर इस इंडियन टीम की डोमिनेशन देखें अवे टेस्ट मैचेस में एंड एट होम में, एट होम तो कमाल है कि मतलब दे हैव वन 14 कंसेक्यूटिव टेस्ट मतलब सीरीज एट होम 11 अंडर कोहली, और जो ज़्यादातर जो विक्ट्रीज उनकी आई है एट होम दे हैव बीन थ्रू द स्पिनर्स। अब इन कॉन्ट्रास्ट जब ये बाहर जाते हैं, जब ये इंडियन टीम बाहर गई है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जीती है, चाहे इंग्लैंड में जीती है, आज ये जो साउथ अफ्रीका में जीती है, इससे पहले श्रीलंका वगैरह में जीती है, पेसर्स का ज़्यादा जो है डोमिनेशन रहा है। तो आई थिंक कि ये जो इंडियन टीम है, जो इसकी पेस अटैक है, दिस इज़ द की टू द सक्सेस ओवरसीज। एंड इट्स बीन अ ग्रेट ईयर फॉर इंडियन क्रिकेट, इन टेस्ट क्रिकेट पर्टिकुलरली 2021, क्योंकि अब तो साल ख़त्म हो गया, लेकिन इंडिया हैव डन रियली वेल दिस ईयर।